हेलो एवरीवन, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम में अगर ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों भी दिए गए हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 34। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। मिसेस सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म in which Ram and Krishna are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. From the following trial balance, prepare final account for the year 18-19. हमें trial balance दिया गया है, okay? अभी debit and credit इस तरह से हमें columns दिए गए हैं बच्चों। हमें पता है अभी that debit इसका मतलब क्या होता है? Trading या profit and loss account के debit में या balance sheet के asset side में जाएगा, और सारे जो credit items हैं वो trading या profit and loss account के credit में या फिर balance sheet के liability side में जाएंगे, ठीक है? So one by one let us look at the items. Opening stock, trading account, capital account, ये कहा जाएगा balance sheet में जाएगा on the liability side. करंट अकाउंट ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, बट बच्चों यहाँ पे बिकॉज करंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग दिए गए हैं, देयर आर गोइंग टू बी मेनी एडजस्टमेंट्स, तो हम करंट अकाउंट अलग से दिखाएंगे और जो बैलेंस बचेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है? ओके। परचेजेस, परचेजेस क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर्स, बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट। कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्नीचर, बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट। आरडीडी, नाउ जो आरडीडी हमारा ट्रायल बैलेंस में आता है उसे हम बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। ओके, ओल्ड आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, राइट? अभी जो क्रेडिट बैलेंस है वो आइडियली कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो याद करिए, बैड डेट्स और आरडीडी का, हम क्या करते हैं, ओल्ड आरडीडी को हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं, बिकॉज द साइड इज चेंजिंग। क्रेडिट बैलेंस हम जब डेबिट साइड पे दिखाएंगे तो क्या करेंगे, हमें साइन चेंज करना होगा। दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस, राइट? तो हम अगर उसे डेबिट में दिखा रहे हैं तो इसे हम माइनस दिखाएंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ये माइनस दिखेगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, बैलेंस शीट। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स, अगेन जो बैड डेट्स यहाँ पे अपियर हो रहे हैं वो हो गए हमारे ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दिस इज आर इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है? नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। स्टॉक इन हैंड, ओके। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स, ओके? तो पार्टनर्स को सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन के एडजस्टमेंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों। तो ये हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे चल के। आगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ऑल राइट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सो प्लांट एंड मशीनरी के आगे हमें स्टार कर देना है। 3,000 फ्रॉम आर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब वो बैड डेट्स है, दिस इज आर न्यू बैड डेट्स। तो इसका कहां इफेक्ट जाएगा? एक तो पी एंड एल में बैड डेट्स में जाएगा, एंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। तो दोनों भी जगह हम स्टार कर लेते हैं, बैड डेट्स एंड सन्ड्री डेटर्स, ओके? आगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 500, तो इंश्योरेंस के आगे हमें स्टार कर लेना है। ऑलराइट, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सब बाइफोकेशन कर लिया है बच्चों। नाउ लेट अस प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दीज आइटम्स टू आवर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लेट अस डू दैट। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको सब ट्रांसफर कर लेना है। इन ऑर्डर टू सेव टाइम आई हैव ट्रांसफर्ड दिस लाइक दिस, ओके? और आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको करंट अकाउंट भी बनाना है। देखिए इस तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट, इट हैज नॉट बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली, बट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देयर आर मेनी एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू कमीशन, सैलरी एटसेट्रा, तो इसीलिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। तो हम बैलेंस शीट में इनर कॉलम में सारे एडजस्टमेंट्स दिखाने के बजाय यहाँ पे हम अलग से एक करंट अकाउंट ओपन करेंगे और करंट अकाउंट में हम सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिखाएंगे। वी हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज करंट एंड कैपिटल अकाउंट गिवन, सारे जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसके वजह से पार्टनर्स का जो बैलेंस है अकाउंट का वो कम या ज्यादा होगा, वो सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होंगे, ओके? वेदर इट इज रिलेटेड टू सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, जो भी है,
सब कुछ पार्टनर के करंट अकाउंट में होगा, जो एंड में बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में ऑन द लाइबिलिटीज साइड। इज दिस क्लियर? यहाँ पे देखो, प्लीज रिमेम्बर, पार्टनर का करंट अकाउंट, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है और एक का क्रेडिट बैलेंस है, ओके? सो यहाँ पे गलती से दोनों भी क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना है। इफ यू लुक एट द ट्रायल बैलेंस, देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट राम का क्रेडिट है, ओके? बट कृष्णा का डेबिट बैलेंस है। हमें आदत क्या होती है, पार्टनर्स का बैलेंस है अकाउंट का तो क्रेडिट साइड पे लिख दो, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, कृष्णा के यहाँ पे मैंने डेबिट साइड पे लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड फॉर राम इट इज ऑन द क्रेडिट साइड। आई होप ये समझ गया है आपको, ओके? नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। पहली एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन हैंड वाज वैल्यूड एट 38,000। अभी स्टॉक की एडजस्टमेंट हमें बाय हार्ट हो गई है। क्या होता है, फर्स्ट इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होगा। सो 38,000 हम लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, 38,000, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ऑलराइट, अच्छा आगे, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। 6,000 सैलरी आप देने वाले हो पार्टनर को, ओके? सो ये जो सैलरी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस सोचना है हमें, ओके? प्लीज रिमेंबर, पार्टनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। सो फॉर द बिजनेस, वंस वी गिव सैलरी टू द पार्टनर, इट बिकम्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो बिजनेस के लिए P&L के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? P&L के डेबिट में जाएगा। एंड सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, ये जो सैलरी है इसके वजह से जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी यहाँ पे दो इफेक्ट्स क्या आएंगे, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एंड सेकंड इफेक्ट करंट अकाउंट के क्रेडिट में। प्लीज रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है? सो लेट अस डू दैट। 6,000 फॉर राम है, तो P&L के डेबिट में हम लिखेंगे टू राम्स सैलरी या सैलरी टू राम 6,000, और तुरंत सेकंड इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में। तो हमने जो करंट अकाउंट बनाया है वहां पे चलते हैं, और यहाँ पे राम के अकाउंट में है 6,000। यहाँ पे प्लीज बी केयरफुल, गलती से कृष्णा के अकाउंट में मत लिख देना, बाय सैलरी, ओके? आगे क्या दिया था, देखो, कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। अगेन कमीशन, ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो बिजनेस के P&L के डेबिट में हो जाएगा, एंड ये कमीशन के वजह से कृष्णा का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, तो करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेशन की जरूरत है, 3% ऑन नेट सेल्स। अभी नेट सेल्स कैसे मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मतलब नेट सेल्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिटर्न्स नहीं है। देखो 2,08,000 इज द नेट सेल्स फिगर, सो 2,08,000 का 3% ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम लिखेंगे 2,08,000, इसका 3% कितना आ रहा है, 6,240। चलो इसको दो इफेक्ट दे देते हैं। फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा P&L में डेबिट साइड पे, टू कमीशन टू कृष्णा 6,240, एंड सेकेंडली करंट अकाउंट के क्रेडिट में, अगेन कृष्णा के कॉलम में हमें लिखना है, ओके, 6,240 बाय कमीशन, ठीक है? अच्छा आगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे तो दो अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, तो हम कौन से बैलेंस पे इंटरेस्ट देंगे? नाउ प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव, जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है बच्चों, हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? इफेक्ट देंगे करंट अकाउंट पे, लेकिन जब कैलकुलेशन की बारी आती है हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखते हैं। अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ से मिलेगा हमें, देखो बैलेंस शीट में कैपिटल राम और कृष्णा का क्या है, 160 एंड 80,000, राइट?
इस पे हमें इंटरेस्ट देना है 160 एंड 80, तो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन करेंगे 1,60,000 का 5% दैट इज 8,000 एंड 80,000 का 5% दैट मीन्स 4,000. दिस इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट. प्लीज रिमेंबर हमने कौन से बैलेंसेस लिए, जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस था उस पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं. लेकिन जो इफेक्ट जाएगा बच्चों वो कहां जाएगा, इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट में. इफेक्ट कोई भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है उस पे हम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होते हैं बच्चों. यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल गिविंग दिस एडजस्टमेंट. आई एम रिपीटिंग, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमने कौन सा बैलेंस लिया, हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिया. लेकिन जब हम एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे हम वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में देंगे. ओके, सो नाउ लेट अस गिव द इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, बिकॉज दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो बिजनेस के डेबिट साइड में आएगा. और इस इंटरेस्ट की वजह से पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, तो पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. ठीक है, सो लेट अस गिव दीज टू इफेक्ट्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. राम एंड कृष्णा 8,000 एंड 4,000, आउटर कॉलम 12,000, और तुरंत करंट अकाउंट में चलते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ऑलराइट, ओके. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%. अभी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है तो प्लांट एंड मशीनरी का एसेट साइड पे कितना बैलेंस है देखते हैं. एसेट साइड पे 63,000 दिख रहा है, इसका 5% इज द डेप्रिसिएशन, दैट मींस 3,150. तो चलो हम वो माइनस कर लेते हैं, 3,150 लेस डेप्रिसिएशन. और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में, P&L के डेबिट में यहां पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन 3,150. ऑलराइट, चलो टिक कर लेते हैं. 3,000 फ्रॉम आर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल. अभी ये क्या है, न्यू बैड डेट्स है. तो हमारा फॉर्मूला याद करिए, बैड डेट्स वाला क्या था, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD एंड माइनस ओल्ड RDD. जो भी ओल्ड अमाउंट्स है वो हमें ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं और जो न्यू अमाउंट्स है वो हमें एडजस्टमेंट से मिलते हैं. ठीक है, तो ये जो 3,000 है ये न्यू बैड डेट्स है, तो P&L के डेबिट में हमारे फॉर्मूला में हम ऐड कर देंगे और सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा. सो लेट अस गिव दैट इफेक्ट 3,000 एड न्यू बैड डेट्स. ओके, और डेटर्स से माइनस कर लेंगे बैलेंस शीट में. ओके, चलो टिक कर लेते हैं. एंड लास्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 500. ये इंश्योरेंस प्रीपेड है, मतलब इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर. तो हम क्या करेंगे, इस साल के इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर. और अगर हमने कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे किया है बच्चों, इसका मतलब जो एक्सपेंस पे किया है उसका हमें बेनिफिट अगले साल मिलेगा. तो जिसका भी हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है वो बन जाता है हमारा एसेट. तो ये एसेट साइड पे दिखेगा. सो लेट अस गिव द इफेक्ट. इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे 500, आउटर कॉलम में आएगा 2,000 लेस प्रीपेड, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, प्रीपेड इंश्योरेंस 500. चलो अभी इसी के साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट्स टिक हो गए हैं. सो वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स. हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या. सो लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस. और यहां पे देखिए बच्चों, सबसे लास्ट में हमें क्या दिया गया है, लास्ट आइटम
12% government bonds purchased on 1/1/2019. अब जब भी हमारे एसेट के आगे ऐसा परसेंटेज होता है, इसका मतलब दैट एसेट दैट इन्वेस्टमेंट हैज टू अर्न अस दैट मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने खरीदे हैं 15,000 के, इस पे हमें 12% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. अब 12% वाला जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का रहेगा, लेकिन हमने ये खरीदे कब थे? हमने खरीदे हैं 1/1/2019 को. इसका मतलब 1/1/2019 से लेके 31 मार्च 2019, इस टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया वो हमारा इस साल का इनकम हो जाएगा. सो कितना हो जाता है महीने? जनवरी, फरवरी एंड मार्च. सो फॉर 3 मंथ्स दिस इंटरेस्ट हैज टू बी इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना है? लेट अस कैलकुलेट. 12% ऑफ 15,000. ओके, ये वर्किंग नोट है. एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 3 मंथ्स. कितना आ रहा है? 450. अब हम क्या करेंगे, एक बार P&L में देख लो कोई इंटरेस्ट दिख रहा है क्या ऑन द क्रेडिट साइड. देखो P&L में क्रेडिट साइड पे कोई भी इनकम नहीं है, इसका मतलब इस साल ये जो 450 है इसमें से कोई भी अमाउंट नहीं मिली. टोटल 450 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो मिला नहीं है. सो दैट इज माई accrued इनकम, दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल. तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा P&L के क्रेडिट में और सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड. तो चलो इफेक्ट दे देते हैं फटाफट. P&L के क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 450 एंड सेकेंडली बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इंटरेस्ट रिसीवेबल 450. ठीक है, अब और कुछ बचा है क्या? लेट अस सी. सी नथिंग एल्स इज रिमेनिंग. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर देंगे. नाउ लेट अस सी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है. एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पहले तो डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल हम वर्किंग नोट में लिखेंगे टू फाइंड आउट विच साइड इज हायर. ठीक है, तो यहां पे वर्किंग नोट में मैं लिख लेती हूँ डेबिट एंड क्रेडिट साइड की टोटल. मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,46,000 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 137,760. दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ 2,46,000. ठीक है, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी ग्रॉस प्रॉफिट. तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट. तो यहां पे लिख लेते हैं हम एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू आर P&L. सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल ऑफ आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले रफ में ले लेते हैं टोटल डेबिट एंड क्रेडिट. क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 1,08,690 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 37,690. क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ 1,08,690. ठीक है, और जो डिफरेंस है दैट इज माय नेट प्रॉफिट. तो चलो डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. टू नेट प्रॉफिट we have to transfer this to the partners Ram and Krishna. कितना आ रहा है profit? 71,000. अब ये जो profit है ये हम divide करेंगे in the profit sharing ratio. So what is the profit sharing ratio? देखो राम और कृष्ण का यहाँ पे हमें दिया गया है 3:2. तो हम 3:2 ratio में transfer कर देंगे. तो ये जो 71,000 है how are we going to divide? देखिए rough work करेंगे. 71,000 divided by 5 into 3, that comes to 42,600 and 71,000 divided by 5 into 2, ये rough work है, okay? 28,400. तो ये transfer कर लेते हैं यहाँ पे 42,600 and 28,400. अब याद रखिए बच्चों ये transfer होगा in the current account, okay? Capital account में गलती से transfer मत कर देना. Alright, so ये करंट अकाउंट में हम चलते हैं और वहां पे ट्रांसफर कर लेंगे.
यहां पे वी आर गोइंग टू राइट डाउन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब क्या बचा, अब हम करंट अकाउंट क्लोज करते हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस इन द करंट अकाउंट्स. राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 64,600. मैं यहां पे भी लिख लेती हूँ 64,600. और कृष्णा के अकाउंट की टोटल आ रही है 38,640. तो यहां पे लिख लेती हूँ 38,640. ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पे सिर्फ एक बैलेंस है ऑन द डेबिट साइड, नो अदर बैलेंस इज देयर. तो यहां पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन. ओके, राम के अकाउंट में पूरा 64,600 हम कैरीड डाउन करेंगे और कृष्णा के अकाउंट में 38,640 - 4,000 दैट इज 34,640. ये जो बैलेंस है ये कहां दिखेगा, हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा ऑन द लाइबिलिटीज साइड. तो बैलेंस शीट में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे करंट अकाउंट राम एंड कृष्णा. कितना है बैलेंस, अब क्या बचा, अब बस हमें बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज की टोटल लेनी है. सो लेट अस डू दैट. 4,02,040 और एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 4,02,040. ओके, यहां पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है बच्चों. आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों भी दिए गए हैं. तो अगर एग्जाम में इस तरह से कुछ आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है. आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है. अगर बहुत अच्छे से समझ गया, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों. योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड. और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए. हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सारे बच्चों को इन लेक्चर्स का फायदा लेने दीजिए. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.